कल हेमंत सोरेन को ईडी के समक्ष पेश होना है हमारे साथ इसी सब मुद्दे पर विशेष जानकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी दुबे जी जुड़े हुए है हैं हमारे साथ कल ईडी ने बजाबती हेमंत सोरेन को बुलाया है पूछताछ के लिए क्या इसका क्या प्रोसेस होता है क्या एक संवैधानिक पद पर पे अगर मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं तो क्या उनको ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है इसका क्या प्रोसेस है हम आपको जान देखिए पूछताछ के लिए बुलाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और चीफ मिनिस्टर हों या कोई भी हो सिर्फ़ प्रेसिडेंट और उसके अलावा चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया या गवर्नर इन लोगों को खास तौर से जो इम्यूनिटी होती है वो इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट होती है चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर्स की अगर हम बात करें तो चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए कभी भी बुलाया जा सकता है आप देखिए बी एस येदुरप्पा के केस में अगर हम बात करें तो बी एस येदुरप्पा के केस में भी वहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको बुलाया गया था सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको रिक्वेस्ट भेजना चाहिए अरेस्ट करना मिनिस्टर्स को भी अरेस्ट किया जा सकता है आप देखिए नारायण राडे को अरेस्ट किया गया था और उस समय अगर करुणानिधि की बात करें तो जिस समय जयललिता चीफ मिनिस्टर थी तो जयललिता ने दो मिनिस्टर्स को जो वहाँ के थे उनको अरेस्ट किया था तो तमाम ऐसे हैं हाँ ये जरूर है कि जब कभी भी मोशन हाउस मोशन चल रहा हो हाउस चल रहा हो तो हाउस के समय उस कैंपस के अंदर से अरेस्ट करने से पहले या उस कैंपस के अंदर से कोई और कानूनी कार्यवाही करने से पहले आपको लोकसभा के स्पीकर अगर लोकसभा की बात है और अगर विधानसभा की बात है तो विधानसभा के स्पीकर इनको रिटर्न में रिक्वेस्ट देनी पड़ती है जानना चाहते जिस प्रकार से कल ईडी ने बजाब पूछताछ के लिए तो अगर ईडी को लगे कि नहीं ये दोषी है इनको गिरफ्तार तत्कालीन कर लेना चाहिए तो क्या ये ईडी का अधिकार है ये अधिकार क्षेत्र में आता है कि मुख्यमंत्री को आप गिरफ्तार कर सकते हैं तुरंत देखिए अगर ऐसे तो निश्चित तौर तो पर कार्यवाही करने के बाद कार्यवाही में क्या होगा कि आप सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे कि उनकी अरेस्ट की जरूरत है और दूसरा जो है उसके लिए आपको सदन के जो जो स्पीकर हैं स्पीकर को आपको बताना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे हमारे पास एविडेंसेज हैं हम इन्हें अरेस्ट कर रहे हैं तभी वो अरेस्ट होता है लॉफुल अरेस्ट होगा और दूसरा प्रोसिक्यूशन के लिए किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए या गवर्नमेंट पद पर बैठे व्यक्ति के लिए सैंक्शन लेनी पड़ती है प्रोसिक्यूशन की तो वो अगर सैंक्शन है तो निश्चित तोर पर वो कर सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है तो निश्चित तौर पर सेंट्रल एजेंसीज के पास पावर्स जो है वेस्टेड हैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है खासतौर से अरेस्ट में और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाने में